नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग लेखपाल के लिए लेक्चर 1 पढ़ेंगे। तो दोस्त, हम एक छोटी सी चीज़ शुरू करते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम या सरलीकरण में एक चीज आपको मिलता है, योगफल। और हर एग्जाम में योगफल से एक अथवा दो प्रश्न आते हैं। तो दोस्त, योगफल में है क्या क्या, पहले तो ये क्लियर हो जाए कि मुझे योगफल में कितने अंदर तक पढ़ना है। तो मित्रों, जो पहला योगफल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राकृत संख्या का योग। प्राकृत कहते हैं, या इसी को कहते हैं पॉजिटिव इंटीगर, धन पूर्णांक, संख्या का योग या संख्याओं का योग। देखिए मित्र, कुछ होता नहीं है, बहुत आसान तरीके से आपको लेके चलेंगे और बताएंगे। आप एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। जैसे मैं चाहता तो यहाँ लिख देता नंबर सिस्टम और आपसे कहता कि भैया नंबर सिस्टम में ये योगफल है। नहीं, हम एक एक नंबर सिस्टम में योगफल अलग कर देते हैं, इकाई का अंक अलग कर देते हैं, पुनरावृत्त भिन्न अलग कर देते हैं, तो आपको छोटा लगेगा और समझ में आएगा। ये लेक्चर 3 वीडियो, मतलब ये वाला जो योगफल है 3 लेक्चर में होगा। तो पहला देखिए प्राकृत संख्या का योग, दूसरा पढ़ना है सम धन पूर्णांकों का योग। सम धन पूर्णांकों का योग दोस्त, सम मतलब वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। तो जब आप सम पढ़ रहे हैं तो दूसरा निश्चित तौर पर पढ़ना है विषम धन पूर्णांकों का योग। विषम धन पूर्णांकों का योग दोस्त, जब आप विषम पढ़ रहे हैं, सम पढ़ रहे हैं, तो भिन्न भी तो कोई चीज होती होगी। तो मैं अगला आपको इसमें पढ़ाऊंगा भिन्नों का योगफल। बेहतर समझ में आएगा, आप बस देखते जाइए एक एक चीजें अलग अलग, ठीक है, भिन्नों का योगफल। दोस्त, एक मिश्रित भिन्न होता। अब आप कहेंगे सर भिन्न तो लिखा दिए, तो मिश्रित भिन्न क्या है वो भी आपको बताता हूं। मिश्रित भिन्नों का योग, मिश्रित भिन्न में जिसे आप कहते हैं टूटा हुआ भिन्न, जैसे एक बटे एक धन, एक बटे दो धन, दो बटे तीन, इस तरीके का जो होता है वो मिश्रित भिन्न के तहत आपको बता देंगे। इसके बाद हम लोगों को एक योग और पढ़ना है, वो होता है भाजकों की संख्या और उनका योग। भाजकों की संख्या और उनका योग, इसी क्रम में जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे तो दो चीजें और बचती हैं दोस्तों, वर्गों का योग और एक चीज और आपकी बचती है घनों का योग, ठीक है। मित्रों, कुछ चीज होती हैं जिन्हें आपको सरलीकरण में पढ़ना, योग का बस इतना ही सिलेबस है। जैसे बोर्ड मास नियम का प्रयोग, तो वो हम लोग सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो मित्र, आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। योगफल में जो पहली हेडिंग है आपका वो है प्राकृत या धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल। मित्र, वैसे तो अगर धन पूर्णांकों की बात करें तो निश्चित तौर पर हम एक सूत्र हमारे दिमाग में उभर कर आता है कि प्रथम यन धन पूर्णांकों का योग होता है यन यन प्लस वन बाई टू। लेकिन मित्र, अगर हम हर जितने टाइप लिखा है सबके लिए अलग अलग सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आप जानते हैं टाइम नहीं बचेगा। एग्जाम के समय में टाइम मैनेज करना सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं आपको एक छोटे से रूल बताता हूं जिससे प्राकृत सम विषम तीनों हल हो जाएंगे, तो आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। जैसे एक छोटा सा आपको रूल इसमें दिमाग में रखना पड़ेगा, वो क्या है कि यदि प्रत्येक दो संख्या के बीच का अंतर
प्रत्येक दो पद लिख सकते हैं अगर आप संख्या नहीं लिखना चाहते हैं। प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो, इनके बीच का अंतर समान हो, ये है क्या? अभी आपको रट जाएगा। समान हो तो इससे दो चीजें सामने आती हैं। कौन सी? पहली, यदि मैं आपसे औसत पूछूं, एवरेज पूछूं, तो ये होता है फर्स्ट डिजिट प्रथम पद प्लस लास्ट डिजिट अंतिम पद, और इसी का बटे हम लिखते हैं दो। लेकिन मेरे दोस्त, ये तो एवरेज के लिए है, औसत के लिए है। अगर हम योग पूछ लें तो इसी का उपयोग करना है कि औसत और गुणे में टोटल नंबर ऑफ डिजिट, कुल पदों की संख्या। मेरे भाई, ये योगफल सम विषम प्राकृत सभी संख्याओं के लिए रामबाण काम करेगा। इसमें आप फटाफट उत्तर देते जाएंगे। खासकर लेखपाल की मैथ में ये बहुत महत्व रखता है। ठीक है, अब मैं कुछ भी इसमें मिटाऊंगा नहीं, ना तो ये और ना तो ये। अब दोस्त, मैं टाइप वाइज बताते चलता हूं। टाइप नंबर एक, जैसे मैं आपसे कहूं एक से सौ तक की सभी धन पूर्णांकों का योगफल, सारी की सारी धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। मेरे दोस्त, कुछ मत सोचिए, आप मेरे कथनानुसार चलिए। एक से सौ तक का मतलब होता है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस लास्ट वाली डिजिट आपकी हो जाएगी सौ। ध्यान से समझिएगा, एक से सौ का मतलब है एक से जोड़ना है सौ तक। मैंने लिखा प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर, तो यहां देखिए एक था दो हो गया तो एक का अंतर, दो से तीन एक का अंतर। अगर ये है तो मेरा ये वर्क करेगा, औसत गुणे कुल पदों की संख्या। मैं दोस्त यहां नहीं लिख रहा हूं, यहां लिखा है। अब दोस्त, औसत क्या होता है? औसत होता है प्रथम पद, तो इसमें एक है, प्लस लास्ट मतलब अंतिम पद बटे दो। और मित्र, देखने से पता चलता है कि एक से सौ तक की संख्या है, मतलब टोटल पद हैं सौ। मेरे भाई, अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। सौ में एक जोड़ने पर 101 आएगा, और आप इससे इसको काटेंगे तो आपका ये आ जाएगा 50। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो, पांच का एक में गुणा पांच और जीरो पांच, तो देखिए एकदम आसान हो गया। तो 5050, यानी एन प्लस वन से लगाएंगे तो यहां तो लगता है कि चलो टाइम उतना लगता है, पर दोस्त अभी आप आगे का टाइप देखते जाइए, आपको यही लगेगा कि नहीं, ये सबसे बेहतर है, 20 सेकंड में आपका पूरा प्रश्न हल हो जाता है। अब देखिए, मैं आपको एक टाइप के मिनिमम दो प्रश्न कराते चलता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। बाबू, जैसे मैंने कहा एक से 45 तक की सभी धन पूर्णांकों का योगफल, दिमाग इधर लगाइएगा, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस कंटिन्यू रखिए 45, मतलब 45। दोस्त, एक और एक दो, दो एक तीन, तीन एक चार, एक पांच, चलता जा रहा है, तो ये काम करेगा। फिर से मेरी बात सुनिए, ये हर उस प्रश्न को हल कर देगा जिनके बीच का डिफरेंस बराबर हो। तो एक एक दो, दो एक तीन, हर जगह बराबर है। इसमें आपको करना है पहला और अंतिम पद जोड़ के डिवाइड दो से, और इनटू आपका हो गया जितनी संख्या है 45 संख्या है।
अब दोस्त 45 में एक जोड़ेंगे तो 46 बटे दो हो गया और गुणे 45 हो गया। मेरे भाई आप इसे हल करेंगे तो 23 गुणे 45 हो जाएगा, 23 × 45। लेकिन मित्र हो सकता है आपको 23 का टेबल ना याद हो, 45 का ना याद हो, तो 45 को निकटतम जीरो में तोड़ दीजिए, 40 और प्लस कितना 5। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई किसका, इससे इसका। तो दोस्त जीरो है तो जीरो होगा, 4 × 3 = 12 होगा, 4 × 2 = 8 और 1 = 9 होगा, प्लस 5 × 3 = 15 होगा और 5 × 10 = 11 होगा। मेरे भाई यदि मैं इसे जोड़ लेता हूं, ऐड कर लेता हूं तो मेरा उत्तर आ जाता है। तो दोस्त यदि हम इसे ऐड करें तो कितना आएगा, ये आप जानते हैं, बराबर 5 आएगा, आ गया, 2 × 1 = 3 आएगा, आ गया, 9 × 1 = 10 आएगा, आ गया, तो 1000 कितना आएगा, 35 आएगा। एक चीज फिर से समझा रहे हैं जो समझने योग्य है इसमें, वो है 45 × 23। 23 का टेबल नहीं याद है ना तो 45 का याद है, तो आप 45 को निकटतम जीरो में तोड़ दीजिए। तो इसको या तो मैं 40 प्लस 5 लिखूं या तो 50 माइनस 5। अब आपके जहन में चल रहा होगा सर हम 23 को तोड़ दें, तब भी उत्तर वही आएगा। और ब्रेकेट में आने के बाद इसका गुणा दोनों में होता है, ठीक दोस्त। चलिए हो सकता है कंफ्यूजन तनिक बनी हो तो इसलिए मैं एक प्रश्न आपको इसी पर और बताता हूं। हमने 1 से 75 तक कर दिया तो आप लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट वाला 75, ठीक दोस्त। औसत 1 और 75 जोड़कर मुझे भाग कर देना है 2 से और गुणे में हम लगाएंगे जितने पद हैं। तो मित्र 1 से 75 तक का मतलब टोटल पदों की संख्या 75 है। मेरे भाई ये आ गया 75 × 76, 76 को 2 से भाग दीजिए, 2 × 3 = 6 = 7, 2 × 8 = 16, सही। 75 का टेबल नहीं याद है तो मैंने जो सिखाया आप उसी का प्रयोग करिए, 70 + 5, सही जा रहा है। इसका मल्टीप्लाई 0 आया, 7 × 8 = 7 × 8 = 56, 5 आया, 7 × 3 = 21, 5 = 26 हो गया, प्लस 5 का गुणा, 5 × 8 = 40, 4 हासिल, 5 × 3 = 15, 4 = 19 हो गया। तो दोस्त हमारा और आपका जो उत्तर आया है वो क्या आया, ये आ गया 0, 9 × 6 = 15, 6 × 1 = 7 और 1 हासिल था, तो आपका और मेरा उत्तर आ गया 2850। देखिए 0 0 0 9 6 15 1 हासिल 6 1 7 1 8 2850। तो मित्रों ये था आपका पहला टाइप, ठीक है। अब क्या, अब मैं इसे तनिक चेंज करता हूं और आपको एक अलग बताता हूं जो इस पर हल होगा, ये बेहतर समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने टाइप नंबर सेकंड उठाया, मैंने कहा 7 के प्रथम 20 गुणजों का योग, 7 के प्रथम 20 गुणजों का योग। तो आप जानते हैं गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, 7 का टेबल 20 बार लिख के उसे ऐड करना है। तो चलिए 7 × 7 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28। अब 20 बार जाएंगे तो 20 × 7 हमारा आ जाएगा 140। फिर बात वहीं फंसी दोस्त कि क्या अंतर समान है, तो जब टेबल है तो उनमें तो स्वाभाविक सी बात है कि 7 7 का अंतर बना रहता है। तो इसमें भी पहला और अंतिम पद आप जोड़कर 2 से भाग दे देंगे और गुणा करेंगे। अब हमारे मन में आएगा अरे सर ने कहा था लास्ट में जो है वही पद है, नहीं नहीं नहीं, यहां 7 की टेबल 20 बार लिखी है मतलब पद हैं कितने,
सॉरी, तो दो से मैंने काटा दस आया, इनको जोड़ दीजिए 147 आया, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 1400 कितना 70। कहीं दिक्कत दोस्तों? कुछ दिक्कत नहीं होगी, बस इतना दिमाग में रखिएगा कि दिए गए प्रत्येक पद के बीच का अगर डिफरेंस दो पदों का सेम सेम है तो औसत गुणे कुल पदों की संख्या। देखिए इसी से कितने प्रश्न हो जाते हैं। चलिए एक प्रश्न हम आपको इस पर और बताते हैं। जैसे मैंने कहा 12 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो कुछ नहीं 12 का टेबल लिखिए, 12 दूना 24 तिया 36, ऐसे 15 बार करेंगे तो 12 और 15 का गुणा कर लीजिए, तो 15 दुनाई 30 और 15 18 180। अब देखिए आपका उत्तर आ जाएगा तुरंत, इनका अंतर समान है तो पहला और अंतिम जोड़कर हम लोग भाग देंगे दो से, और इसमें पद हैं टोटल 15 तो 15 लिख देंगे। तो 180 और 12 192 बटे में 2 गुणे में 15। ठीक दोस्त, भाग दीजिए, 2 नवा 18, 1 19 12, 2 6 12 गुणे 15। अब तो उत्तर आ गया 15 6 90 9 हासिल, 15 नवैया 135 और 9 35 5 40 और 4 44, तो 144 मतलब 1440। फिर से बताते हैं, 15 6 90 9 शेष बचा, 15 नवैया 135 और 9, तो 35 5 40 4 44। तो देखिए ये वाला भी इसी तरीके से हो गया। ठीक है, आइए अब देखिए टाइप नंबर थर्ड पे चलते हैं। एक एक चीज एकदम क्लियर होता चला जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टाइप नंबर थर्ड है कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे एक व्यक्ति ने जोड़ा 25 तक और फिर वापस लौट लिया 24 23 प्लस प्लस करके 2 + 1, और लिख दिया कि दोस्त इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अब देखिए हमारे दिमाग में चलता है चलो जोड़ते हैं, अगर हम औसत गुणे पदों की संख्या लगाएं तो 1 से 25 तक एक पद है और 24 से 1 तक एक पद है। मित्र 1 2 3 अंतर समान है, 24 23 घटता जा रहा, अंतर का मतलब होता है कि बीच में कितना अंतर है, घट रहा बढ़ रहा उससे मतलब नहीं। तो यहां अगर औसत लगाएंगे तो पहला और अंतिम पद जोड़कर आप 2 से भाग देंगे और इसमें टोटल नंबर्स हैं 25। किस में लगाया? इसमें लगाया आपने, प्लस इसमें ये 24 है पहला पद, अंतिम पद 1 है बटे 2, और टोटल हैं पद कितने, अरे 1 से 24 तक तो 24 ही तो होंगे मेरे दोस्त। चलिए यहां आते हैं, 25 और 1 26 को 2 से भाग देंगे तो 13 गुणे 2 आएगा, 25 आएगा, प्लस 24 1 25 हो गया, और 24 को आप जब करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। गुणा करें 25 का 13 में गुणा, 25 तिया 75 7 हासिल, 25 एक 25 5 30 2 32 325, प्लस 12 पंचे 60 और 12 दुनाई 24 से 30 300, तो मेरा उत्तर आ गया 625। ठीक दोस्त, लेकिन औसत गुणे पदों की संख्या करने में थोड़ा टाइम लग रहा, मैं इसका एकदम शॉर्ट आपको बता देता हूं। देखिए एकदम आसान सा बताता हूं दोस्त, अगर सीरीज 1 से शुरू हो और 1 पर खत्म हो तो आप सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर कर देंगे। अब इस सीरीज में जो सबसे बड़ी संख्या है वो 25 है,
और 25 का वर्ग तो आपको पता है 625। तो मित्र इसमें इस तरह से होगा, शुरुआत एक पर हो खत्म एक पर हो तो स्क्वायर करना है। ठीक है, आइए अब इस पे एक प्रश्न से तो कुछ होगा नहीं, चलिए और आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज और जानिए कि दो अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। भाई दो अंकों की संख्या का वर्ग हमारे आपके मन में रहता है, हम ऊपर नीचे लिख करके जोड़ते हैं, नहीं। चलिए हम आपको समझाते हैं, एक सिंपल सा लेते हैं, 12 का स्क्वायर होता है 144, 25 का वर्ग होता है 625, 47 का वर्ग पूछूं तो आप नहीं कर सकते। तो इसे समझ लीजिए, यहां इसका हम वर्ग करते हैं इनके अंकों का, तो 1 का वर्ग हो गया 01, 2 का वर्ग हो गया 04। ध्यान रखिएगा स्क्वायर हमेशा दो पदों में रखेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई, इनको मीन्स तीनों को, मीन्स 1 × 2 × 2, तो ये आपका आ गया 2 × 2 = 4। याद रहे यूनिट नंबर में ना जोड़ के उसके पहले के अंकों में जोड़ेंगे तो आपका वर्ग मिल जाएगा कितने अंकों का, 2। जैसे 25 का 2 का वर्ग 04 और 5 का वर्ग 25, इनको गुणा कर लीजिए, 5 × 10 × 20, यूनिट में मत जोड़िए और बाकी में जोड़ दीजिए तो आपका वर्ग आ जाएगा कितना, 625। जैसे 47, 4 का वर्ग 16 हो गया और 7 का वर्ग 49 हो गया, दोस्त इनको गुणा करना है, 4 × 8 = 56, यूनिट में मत जोड़िए बाकी जोड़ दीजिए, उत्तर आ गया 9 आ गया, 6 × 4 = 10 आ गया, 6 × 5 = 11, 1 = 12 आ गया और 1 × 1 = 2, तो 2200 कितना, 9। तो मित्र दो अंकों का ऐसे ही वर्ग निकाला जाता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल और समझाता हूं क्योंकि पूरे मैथ में इसका उपयोग बना रहेगा। जैसे 87 का स्क्वायर मैं आपसे कहूं तो 8 का वर्ग कितना, 64, 7 का वर्ग कितना, 49। बस इसको हल कर लीजिए, 8 × 56 = 2 × 6 = 12 × 2 × 5 = 10 = 11, यही होता है दोस्त, 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, इनको गुणा करना, इनको मतलब 8, 7 और 2 को, तो 8 × 56 × 2 × 6 = 12 × 2 × 5 = 10 = 11, ऐड करिए 9 आ गया, 4 × 2 = 6 आ गया, 4 × 1 = 5 आ गया और 6 × 1 = 7 आ गया, तो 7500 कितना। तो मित्र आपको ये समझ में आ गया होगा, आइए अब अपने प्रश्न पे आते हैं जो कर रहे थे। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 97 + 96 + 2 + 1 का मान, या लिख देता है बराबर क्वेश्चन मार्क। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर, 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49। अब 9 × 18 = 126, इसमें जोड़ दीजिए, 9 आया, 6 × 4 = 10 आया, 2 × 1 = 3 = 4 आया और 8 × 1 = 9, तो 9400 कितना, 9। तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 9400, मतलब अगर इन्हें जोड़ना है तो आपका ये 9409 आ गया। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। देखिए ये आपका आ गया होगा दोस्त, ये तो ठीक है, मैंने बताया आपको मजा भी आया कि ठीक है आसानी से हो जाएगा, लेकिन मैं जितना बताया वो एक से बताया, अगर 20 से हो तो, 20 से हो तो कैसे करेंगे, ये आपकी शंका दूर किए देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 25 से 75 तक की सभी धन पूर्णांकों का योग, सभी धन पूर्णांकों का योग, मेरे दोस्त ध्यान दीजिए,
पहली संख्या 25 लेंगे, दूसरी संख्या 26 लेंगे, 27 लेंगे, लास्ट वाली डिजिट लेंगे कितना, 75 लेंगे। मेरे भाई क्या इनके बीच का अंतर बराबर है? तो आप कहेंगे हाँ सर है, क्योंकि 25 एक 26, 26 एक 27। तो मैं कहूंगा कि जब इनके बीच का अंतर बराबर है तो औसत गुणे पदों की कुल संख्या लगा दीजिए। चलिए लगाते हैं। औसत होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बटे दो, इसमें तो कोई डाउट नहीं, गुणे पद निकालना मुझे आना चाहिए। तो दोस्त चलिए निकालते हैं, पद कैसे निकलेगा, लास्ट वाली डिजिट लीजिए और इसमें से इसके जस्ट पहले वाली घटा दीजिए, तो 25 के जस्ट पहले जो आएगा वो कितना आएगा, 24, तो घटा देते हैं, 24 हो गया। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गया 5, तो इसमें 51 पद आए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर घटाएंगे क्यों 24? दोस्त 25 से लेना है तो 24 तक आपको छोड़ना है, क्लियर। ये आ गया 75, 25, 100 बटे 2 और गुणे 51, तो मित्र मेरा तो उत्तर ही आ गया 50। अब इनका गुणा कर दीजिए, 0, 5, 1, 5, 25, तो मेरा उत्तर आ गया 2550। तो मुझे विश्वास है कि अब आपको ये भी डाउट दूर हो गया कि 20 से आएगा तो क्या करेंगे। फिर भी हम आपको और भी प्रश्न कराते हैं जिससे कंफ्यूजन एकदम से क्लियर हो जाए दोस्त। अच्छा, मैंने अगर कहा कि 35 से 60 तक की धन पूर्णांकों का योगफल, तो करना क्या है, आप पहली संख्या 35 लेंगे, ऐसे लिखते चले जाएंगे, कहां तक जाना है आपको, लास्ट डिजिट जाना है 60 तक। क्या चीज, अब आपको देखना है कि इनके बीच में अंतर बराबर है अथवा नहीं। तो इनका अंतर बराबर है तो फिर लगेगा, औसत हो गया 35 प्लस 60 बटे 2। मित्र मैंने बताया पद के लिए लास्ट डिजिट में से इसके जस्ट पहले वाला घटा देंगे, तो 35 के पहले जो संख्या आती है वो 34 आती है। 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 3 गया 2, मतलब 26 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 26। मेरे दोस्त आप इसे जोड़िए, 60, 30, 90 और 5 95, इससे काटिए 13, गुणा करिए, 13 पचे 65, 6 हासिल, 13 नवैया 117 और 6, जब आप 117 में 6 जोड़ेंगे तो 123 आ जाएगा, तो आपका उत्तर आ गया 1200 कितना, 35। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो मित्र ऐसे देखिए, पूरा प्राकृत संख्याओं का योगफल मैंने आपको बता दिया और आपको लगा भी नहीं कि अरे इतना सरल है। जैसे मैं एक प्रश्न और दे दूं आपको कि दो अंकों की सभी धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, धन पूर्णांकों का योगफल। अरे दोस्तों इसमें क्या है, दो अंक की छोटी संख्या 10, फिर क्या 11, फिर क्या 12, फिर डॉट डॉट डॉट। अब दो अंक खत्म हो जाएगा 99 पर, मतलब इनमें भी तो अंतर समान है तो इसमें भी वही लगाएंगे औसत, पहला और अंतिम जोड़कर आप 2 से भाग देंगे, पद कितना है इसके लिए 99 में से 10 के पहले वाला अर्थात 9 घटा देंगे तो 90 हो गया, यहां 90 लिख लेंगे बराबर। इससे इसको काटेंगे 45 और 109। दोस्त मुझे विश्वास है कि 45 का पहाड़ा नहीं याद है, तो हम लोग लिखते हैं 40 प्लस कितना 5, मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आया, 4 का 9 में 36 आया और 4 एक के 4, प्लस 5 का 9 में 45 आया और 5 एक के 5 आ गया। इन्हें जोड़ लीजिए, आपका उत्तर आ गया, देखो दोस्त 5 आया, 4 6
दस आया, पांच तीन आठ एक नौ आया, और यहां चार ही रहेगा, तो 4900 कितना आ गया? पांच। एक बार और आपको बताते हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे दो गुणे पदों की संख्या हो गई 90। ये 100 में 9 जोड़ेंगे 109 गुणे 45 को मैंने 40 प्लस 5 लिखा, इसका एक में 4 आया क्योंकि 0 की जगह 3 है। 5 का 9 में 45 आया और 5 का 1 में 5 आया, तो ये 5 आ गया, ये आ गया 6 4 10 1 हासिल, ये आ गया 5 3 8 1 9 और ये 4 बना रहा, तो 4900 कितना आ गया? 5। अब आप सभी धन पूर्णांकों का योगफल इसी से हल कर सकते हैं, सभी का मतलब धन पूर्णांकों का योगफल। तो दोस्त अभी और भी आगे है, बहुत कुछ है, अभी इसके बाद सम है, विषम है, फिर प्राकृत सम विषम का एक में मिलाकर दिया गया है, तो इसको हम आपको देंगे अगले वीडियो में। इतना आप देखिए, इसे दो बार तीन बार अच्छे से पढ़िए, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।